ये पूरा जो मैंने काम फॉरगॉटन आर्टिस्ट जो स्पेशली वुमन उसको मैं ट्रिब्यूट ये सब है इनके लिए और इसमें मैंने लाइक नेचर के एलिमेंट्स माइथोलॉजी स्पिरिचुअलिटी फेमिनाइन वो सब एलिमेंट्स कंबाइन करके यहाँ मैंने डिस्प्ले किया है विथ कलमकारी के डेलिकेट फॉर्म्स को लेकर देख रहे हो कि राधा कृष्ण के स्टोरी मैंने कलमकारी के साथ कंबाइन करके डिस्प्ले किए हैं तो ये माया सीरीज में मैंने उसको नया ऐड किया है और भी आपको पेंटिंग्स बहुत सारे नए भी दिखेंगे यहाँ पे आप जैसे पता होगा कि पहले लाइक लॉन्ग बैक जो आर्टिस्ट विलेज से विलेज ट्रैवल करते थे तो वो अपनी स्टोरी एक फॉर्म में एक पेंटिंग के फॉर्म में कलमकारी के थ्रू बताते थे तो यहाँ मैंने वही कोशिश की कि मैं जो कुछ स्टोरी राधा कृष्ण की करने जा रही हूँ मैंने इस तरीके से यहाँ पे कलमकारी के साथ पेश की। कानन का एग्जीबिशन उनका इनॉग्रेशन हुआ बड़ी खुशी हुई एंड ताज्जुब हुआ उन्होंने कहा कि ये दो महीने में इतने सारे पेंटिंग्स किए हैं हैट्स ऑफ टू हर इतना इंट्रिकेट वर्क और थीम उन्होंने जो ली है वो बड़ी ब्यूटीफुल है एंड ऑफ कोर्स माता जी के आशीर्वाद तो उनको है हम सब के विशेज एंड ऑल द बेस्ट कि आपके सभी पेंटिंग्स बिक जाए और बहुत सारे ऑर्डर्स मिले विश यू गुड लक थैंक्स अ लॉट गुड थैंक्स अ लॉट शी डिजर्व्स इट पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कानन भाभी हो या आशु भाई हो इट्स अ फैमिली और ये मेरे फैमिली का फंक्शन है इट इज़ नॉट दैट आई एम एन एक्टर सो आई एम हियर और दूसरा जैसे सुजाता मैम ने कहा एवरी पेंटिंग जितनी भी यहाँ पे लगाई गई है द वर्क इज़ सो माइन्यूटली डन आई मीन एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी पेंटिंग इज़ दैट सब पेंटिंग बोलती है इफ़ यू सी माइन्यूटली इफ़ यू सी बारीक ऐसा कैसे लगता है कि वो और जैसे मैम ने कहा सुजाता मैम ने मेरी भी मैंने भी वहाँ पे बाइट दे रहा था तो मेरी वो पेंटिंग मेरी इतनी मुझे इतनी पसंद आई और कानन भाभी ने समझाया मुझे वॉट इज़ द डेप्थ बिहाइंड दैट पेंटिंग इट इज़ फैंटास्टिक वर्क आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जहांगीर आर्ट गैलरी आई मीन ओफ यहाँ पे एग्जीबिशन लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर खंत फैमिली कानन को बहुत सालों से मैं जानती हूँ उसको खुद को एक फ्लावर की तरह खिलते हुए मैंने देखा जब से वो स्टूडेंट है तब से मैं उसको जानती हूँ और उसने ये प्रोफेशन नहीं बनाया लेकिन पेशेंट के साथ शी कंटिन्यू और बहुत साल हर कला एक साधना है तप है वो मैंने उसको देखा है करते हुए कि घंटों तक उसमें लगे रहना और पूरा एग्जीबिशन का जो नाम है माया उसके साथ जो एक आध्यात्मिक तत्व जुड़ा हुआ है मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा एक पेंटिंग घर में हो ड्राइंग रूम में हो तो इट विल हैव अ डिफरेंट वाइब्रेशन इन द हाउस नहीं फैंटेस्टिक एग्जीबिशन है और सब पेंटिंग्स इतने बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं कि और हर एक पेंटिंग में एक मैसेज भी है और एक उनके पीछे एक स्टोरी भी है जैसे कि कृष्णा का रंग कलर है और राधा का राधा गोरी है कृष्णा ब्लैक है लेकिन इसमें राधा जो एक कि राधा कृष्ण के रंग में रंगी गई थी तो वो एक इसमें कि अलग ढंग से कि राधा भी उनके रंग में रंग गई है तो हर एक पेंटिंग में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मुझे देखने को मिला मुझे दिखाना था कि राधा एंड कृष्णा एक है बट एट द सेम टाइम अलग सेपरेट भी है तो मैंने वहाँ आप देखोगे कि मैंने सेम कलर लिए है राधा कृष्ण की लेकिन एट द सेम टाइम आई एम शोइंग कि एक होने के बावजूद अलग है इसलिए मैंने सेपरेट कैनवास पे अलग तरीके से वहाँ डिस्प्ले किया है मैं जरा भी खुश नहीं हुआ लेकिन दिग्मूढ़ हो गया सरप्राइज हो गया रियली शॉक व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग और माया का जो डेफिनेशन दिया है अम्मार का डेफिनेशन दिया ऐसा माया का कभी भी डेफिनेशन मैंने देखा नहीं है विथ कलर्स एंड सिंबल्स हर एक पिक्चर में आप देखिए माया यानी अटैचमेंट किस तरह से किस रिलेशनशिप का है उसका जिस तरह से उन्होंने प्रोजेक्शन किया है अभी आप देख रहे हैं पहली बार पिक्चर देखिए तो आप बराबर देखिएगा उसमें कलर कॉम्बिनेशन जो किए हैं उसमें रिलेशनशिप दिख रही है तो ऐसे पेंटिंग्स मैंने बहुत कम देखे खुश नहीं हुआ मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ शॉक आ गया
तो वाह, हमारे यहाँ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं। मेरे हिसाब से तो ये सारे के सारे पेंटिंग बिकने चाहिए, जो होशियार होगा वो जल्दी से ही पेंटिंग ले लेगा। मैंने अपनी एज के कंसिडरेशन में बहुत संत लोगों ने मुझे कहा था कि माया का क्या, लेकिन यहाँ के जो माया के रूप में ये भिन्न भिन्न जो पेंटिंग से देखी मैंने, तो माया से और लगा हो गया, तो संत खोटे पड़े और मैं माया में बस चल बसा। कलर कॉम्बिनेशन तो सबने बताया ही है, लेकिन जो माया के अनुरूप जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कानन जी ने मुझे बताया, तो मैं शुभकामना देता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये पेंटिंग बीत जाए और उसकी सराहना हो। जब मैं आ रही थी तभी मैंने कानन बहन को बोला कि मुझे सबसे ज़्यादा ये वाली पेंटिंग पसंद आई। उन्होंने बोला कि ये बहुत ही सिंपल है लेकिन फिर भी ये कैची है, कि ये मतलब मदर अर्थ के बारे में है। तो मुझे जो सिंपल रंग है ना वो बहुत ये पसंद आया, और पूरी एग्जीबिशन तो ये पूरा दिखाते हैं पेंटिंग, कि जब भी आपको लग रहा है कि ये मतलब फ्लैश हो रही है कोई अच्छी सी वाइब्रेंसी, तो वो भी मिल रही है और एक सिंपलनेस भी मिल रही है, सारे कलर यहाँ पे इकट्ठा मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अमेजिंग बिकॉज आई फील कि ये पेंटिंग्स जो है ना वो हमें बाहर से भीतर जाने को कहीं पे प्रेरित करती है, और इसका जो थीम है माया, एंड इफ़ यू हैव ऑब्जर्व कि फीमेल्स की बात है, तो जो फीमेल्स के अपने जो इवन माइथोलॉजी में शक्ति, स्त्री जो शक्ति है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें बहुत एक्सप्रेस हो रही है, एंड द कलर्स, आई फील कि ये कलर्स बहुत बोलते हैं, बिकॉज आई एम अ राइटर सो आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन दैट मैनर, कि इतना सारा बोलते हैं कि आप अगर उसको सुनेंगे तो उसमें एक कविता है, एक गीत है, एक भावना है। पेंटिंग, एक पेंटिंग का मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा आर्ट है, और मेरे जैसे मुझे पेंटिंग समझ में आते हैं, बनाना नहीं आते, तो मैं तो जब 9th स्टैंडर्ड में था तो मुझे आउट ऑफ 100 9 मार्क्स मिले थे, लेकिन मुझे एक कवि की बनने का मौका मिले तो मैं पेंटर बनना पसंद करूँ। ये तस्वीरें कुछ इस तरह से बताती है, तस्वीरें एक जान है, बताया ना वो कि क्या खूब उतारी है मुसव्वर ने तस्वीर, मुसव्वर का मतलब है चित्रकार, कि क्या खूब उतारी है ये मुसव्वर ने तस्वीर, देखी न सुनी ऐसी तो प्यारी तस्वीर, अरे जब हाथ लगाता हूँ तो जी डरता है कहीं कुछ कह न बैठे ये तुम्हारी तस्वीर।